येमेनचे अब्दुल्ला अली मोहम्मद बिन अस्कर यांच्यावर सीएबीजी ही पार पाडण्यात आली. येमेनचे अब्दुल्ला अली मोहम्मद बिन अस्कर हे कोरोनरी आर्टरी डिसीजने ग्रस्त होते आणि नुकतेच त्यांच्यावर यशस्वी कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्ट स्टेनोटॉमिक कट किंवा मिकास ही शस्त्रक्रिया नुकतीच इंडियन मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे करण्यात आली. अशा प्रकारची शस्त्रक्रिया पुण्यात प्रथमच पार पडली. आपले अनुभव सांगताना बिनास्कर म्हणाले, डॉक्टरांनी दाखवलेली शस्त्रक्रिये दरम्यानचे कौशल्य आणि नंतरची निगा याने मी फारच भारावून गेलो आहे. डॉक्टर मनोज दोराईराज यांनी ही शस्त्रक्रिया पार पाडली. डॉक्टर दोराईराज हे पुण्यातील विख्यात थोरॅसिक शल्य विशारद आहेत. या यशस्वी शस्त्रक्रियेनंतर डॉक्टर दोराईराज यांनी या प्रकारच्या काही समान शस्त्रक्रिया पार पाडल्या. उदयसी फेलोशिप 4 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में गए हैं और आई वॉज बैक इन 2005-2006 एंड उस टाइम से फुल टाइम इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस इधर पुणे में. इन सर्जरीज को हम MICS बोलते हैं, मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी. और ये पर्टिकुलर सर्जरी को मिनिमल इन्वेसिव कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ सर्जरी बोलते हैं. ये दोनों पेशेंट जो हमने किया है बोथ आर ओवरसीज पेशेंट, बाहर के हैं. एक इराक से है और एक यमन से है. और उन्होंने स्पेसिफिक रिक्वेस्ट लेके आया था कि साइड से करो, बीच में का ऑपरेशन नहीं चाहिए. तो हमने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्डर किया था. ये इंस्ट्रूमेंट्स का अवेलेबिलिटी कम रहता है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 35 लाख वर्थ ऑफ इक्विपमेंट रहता है. तो ईच टाइम हमने वो इक्विपमेंट लाया है, ये स्पेसिफिक केसेस के लिए है. और ये केसेस में ऐसे है कि टेक्निकली थोड़ा चैलेंजिंग रहता है क्योंकि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. इवन दो एक बाईपास किया, दो बाईपास किया वो फर्स्ट स्टेज में, इनिशियल स्टेज में, बट इट टेक्स टाइम. उसके लिए मेनी पीपल डोंट वांट टू, बिकॉज उस टाइम पे दो सर्जरी तो हो जाता है हमारा. फॉर द पेशेंट एडवांटेज क्या है कि मिडलाइन जो बोन वो कट नहीं होता है, तो 2 वीक से नॉर्मल काम पे लग जा सकते हैं. एंड ये ओवरसीज पेशेंट है, वो फ्लाइट लेके भी 2 हफ्ते में घर जा सकते हैं. वेट उठाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कार ड्राइविंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मिडलाइन हम जब ऑपरेशन करते हैं तो हड्डी तोड़ के ऑपरेशन करते हैं, बेसिकली लाइक फ्रैक्चर. तो ऑलमोस्ट 8 हफ्ता लगता है वो जुड़ने में. तो ये डिफरेंस मोस्टली इसमें है कि बैक टू वर्क जो बोलते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, और पेशेंट का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि छोटा सा इंसिशन है, छोटा सा स्कार है, सामने से दिखता नहीं है, इसमें साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है पेशेंट. एट द प्रेजेंट मोमेंट नो, मेनली इट इज़ दिमाग का कंप्यूटर, बिकॉज इट इज़ फिजिकली टैक्सिंग, क्योंकि छोटा सा होल है उसके थ्रू देखना है. बट एज एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो हम वीडियो कैमरा इस्तेमाल करके दूरबीन से, वीडियो एंडोस्कोपिक जो बोलते हैं, वैसे हम प्रोसीजर करेंगे. एंड आई फील इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स लैप्रोस्कोपी जैसे एब्डोमिनल सर्जरी में हुआ है, अभी बहुत कॉमन है, वैसे ही हम थोरकोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं. थोरको एंडोस्कोपिक सर्जरी, उसमें सिर्फ 3 छेद दिखेगा और उसमें से पूरा बाईपास हो. यस, बिकॉज द हॉस्पिटल हैज़ टू इन्वेस्ट. अभी तक इन पुणे नॉट, नो हॉस्पिटल हैज़ इन्वेस्टेड. वन हॉस्पिटल इज़ प्लानिंग टू इन्वेस्ट, आई वोंट नेम इट एट द मोमेंट, बट उनको ऑब्वियसली देर इज़ कॉस्ट रिकवरी इन दैट. सो आई फील इट शुड कॉस्ट ओनली 30,000-40,000 एक्स्ट्रा इन एडिशन टू आर नॉर्मल पैकेज, विच आई फील इज़ वेरी रीजनेबल. एंड एवरी पेशेंट वुड लाइक to avoid some midline operation, so I'm sure they will be ready to pay that 30,000. Very good facilities, बहुत बढ़िया hospital है. Dr. परवेज इनामदार का support है, उसके वजह से we are able to proceed with such cases. And क्या रहता है, hospital staff भी बहुत cooperative है. जैसे operation theatre के nursing staff, हमारे perfusionist, anesthetic staff, Dr. निखिल हिरमत, संदीप पाटिल, सिस्टर अमनी, ये सब बहुत cooperative है. इंट्रॉप और पोस्ट ऑपरेटिव बहुत सारे डॉक्टर तस्लीम और फिर फिजिशियंस बहुत सारे हैं जो बैकअप सर्विसेज है, बहुत अच्छे हैं. उसके वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है. मेरे हिसाब में आई हैव डन ओनली 5, बिकॉज इट इज़ फ्रैंकली इंस्ट्रूमेंटेशन. ईच टाइम आई हैव टू बोरो द इंस्ट्रूमेंट कंपनी से, बट डेमो पेस जैसे. बट इफ़ मे बी इफ़ सम हॉस्पिटल इज़ इन्वेस्टिंग, देन आई कैन डू कि रेगुलर बेसिस पे ये सर्जरीज हम